द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त उत्साह है। दौसा के हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता गांधी तिराहे पर एकत्र होकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए फिल्म देखने के लिए रवाना हुए। कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानी को दर्शाने वाली यह फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन में साथ नहीं देने वाले अभिनेताओं के खिलाफ भी कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। फिल्म के निर्माता, निर्देशक व फिल्म के कलाकारों के प्रयासों की सराहना की। विश्व हिंदू परिषद व हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कश्मीर फाइल्स मूवी एक मूवी नहीं है, ये भारत देश की जनता से छुपाया गया एक काला सच है। हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, जिन्हें हमें कश्मीरी पंडित का नाम दिया गया, जबकि उसमें हिंदुओं की सभी जातियां थी जिनका नरसंहार किया गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और ये काला सच छुपाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने ये सच सामने लाकर हम सबको, हम धन्यवाद करते हैं उनको कि आज हम सभी युवा साथी मिलकर दौसा के हम ये मूवी देखने जा रहे हैं। और हम सबको ये बोलते हैं कि ये मूवी हर हिंदू को देखनी चाहिए, हर परिवार से ही देखनी चाहिए, ताकि ये सच सामने आए और ये चीज़ें दोबारा उनके साथ ना हो, हमारे साथ ना हो। दौसा के युवा और हिंदू समाज के लोग द कश्मीर फाइल्स नाम की जो ये मूवी चलचित्र आई है उसके समर्थन में एकजुट होकर इस पिक्चर को देखने जा रहे हैं। हम सब ये मानते हैं कि जो सच सन 1990 से हिंदू समाज से छुपाया गया उसको ये आज इस पिक्चर के माध्यम से और हिंदू समाज के सामने जाहिर करने का एक अभियान जो विवेक अग्निहोत्री ने लाया है उसके समर्थन में हम सब इस पिक्चर को देखने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।